भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हम मेरा सवाल जो है ना वो बहुत जरूरी है मुस्लिम भाइयों से। लोगों को मुसलमानों में नाम लेने में सहारा आप दिए और जो संख्या बताते हैं माइनॉरिटी की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये जो तमाम नेता आपके बीच वोट मांगने आ रहे हैं सीए अधिकार एनआरसी पे कहां थे लोग जब सीए अधिकार एनआरसी पे
बाबा साहब ने संविधान तब लिखा जब उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका मिला, वो सदन में गए और उस संविधान को खत्म करना चाहते भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ सहयोगी दल जो सीएम पीएल नरसिम्हन का समर्थन करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे सौदा नहीं देता। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या आपको आजादी रहेगी देश में? कोई आपको अगर वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, कोई आपसे वोट मांगने आएगा आपके घर? कोई आपको सम्मान देगा क्या? जब आपकी नागरिकता चली जाएगी मुसलमानों से वोट मांगने को आएगा? बताइए मुझे, समझ गए ना? चीजों को गंभीरता से समझिए। यहां पर माहौल भी खराब किया जाएगा, यहां पर एक ऐसा परसेप्शन भी बनाया जाएगा, एक ऐसी भूमिका भी बनाई जाएगी कि बीजेपी का मुकाबला तो उससे, बीजेपी का मुकाबला तो इससे। मैं तो कह रहा हूं कि आज की भीड़ गवाही देती है कि बीजेपी मुकाबले में है। अगर मुकाबले में कोई है तो आजाद समाज पार्टी है, और अगर मुकाबले में कोई है तो भी आजाद समाज पार्टी है। अगर आजाद समाज पार्टी के लोग ईमानदारी से काम करते रहे, अगर आपने काम, जैसे मैंने कहा कि मुकाबले में आजाद समाज पार्टी है, अगर आप काम करते रहे तो फिर किसी से मुकाबला नहीं है। अगर आपने काम को कमजोर कर दिया तो फिर मुकाबला आपका खुद से ज्यादा। ये तो आपको तय करना है कि इनके एजेंडे में नहीं जाना इस बार। ये बताओ, अगर वो माहौल खराब करेंगे तुम एकता में बंटवारा रहोगे, चलोगे एकजुट रहोगे तो नाम करके बताओ। मैं अब पेशा दलित समाज के भाइयों से बात करना चाहता हूं, पहले से माताओं से। आपके बल का कोई सवाल है किसी पे? आज के दिन मैं निराव करते थे, हमने सब छोड़ने से पूरे विधान जी महाराज का गुरुवर तोड़ा गया था, दिल्ली में आंदोलन किया था, पूरे देश से लोग आए थे, यहाँ वो लोग भी खड़े में साथ दे गए थे। आज ना दो महीने बाद निराव हुआ था, आज ही का दिन है। आज फिर मैं आपके बीच में हूं, आपको तय करना कि आपको नेता कैसा चाहिए। वो नेता जो ट्विटर पर बैठ के आपके लिए ट्वीट करेगा, या वो नेता जो सड़क पर आपकी लड़ाई लड़ेगा, ये आपको तय करना है। आपको ये भी तय करना है, अपना इतिहास याद करो। दो अप्रैल में आप लोग सड़कों पर आए, तभी तो सरकार झुकी थी, या ट्वीट करने से झुकी थी? पूरी ईमानदारी से बताना, ऐसे झुकी थी? जब आप सड़क पर आए तब झुकी थी ना? जब हजारों लोगों ने मुकदमे लगाए तब झुकी थी ना? जब 15 लोगों की जान गई शहादत में तब झुकी थी ना? जिस तरह दो अप्रैल में घर से बाहर निकल के आ जाए ना भाई, इसी तरह आज के बाद 30 तारीख तक अपने घर से बाहर रहिए और उसी ताजगी के साथ ईमानदारी से काम करिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो प्रत्याशी है वो इतनी बड़ी संख्या से जीतेगा कि उत्तर प्रदेश में भी देश में हलचल हो जाएगी कि ये क्या है। पिछले 10 सालों में पूरी ईमानदारी से बताए, बीमार नहीं कराओ कोई पार्टी है जो आपके अधिकारों के लिए सुरक्षा आई हो? अगर आई हो तो गलत हूं तो मुझे बता दो, फिर मैं अपनी बात को वापस ले लू। आई है क्या? देखिए एक सवाल है आपसे, नहीं है सिर्फ सवाल, कि मौत के बाद जिंदगी है या नहीं? सवाल यह है कि मौत के बाद जिंदगी है या नहीं, और सवाल यह है कि जिंदगी से पहले आप, मरने से पहले आप जीवित थे या नहीं? अगर आप मरने से पहले जीवित नहीं थे तो आपकी जिंदगी का कोई अमल नहीं, कोई भरोसा नहीं। मैंने बचपन में बाबा साहब के कहे पर एक सेंटेंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, सुनना चाहेंगे आप उस कहे को? जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि स्वाभिमान से जीना। किससे जीना? जिंदगी को तमाम लोग जीते हैं, लेकिन जो स्वाभिमान से जीते हैं, जो टकराते हैं उनका इतिहास लिखा जाता है, उनको लोग याद करते हैं। भागने वालों का, माफी मांगने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। ये चुनाव आपके संघर्ष का, आपके बलिदान का, आपके नए फैसले का चुनाव, और हमारी मूवमेंट है, लेकिन जिसकी इतनी संख्या भारी,
उसकी भी हिस्सेदारी, उसके साथ साथ जितना जितना संघर्ष हमारी जो जितना संघर्ष हमारे साथ महाराज के करेगा उसको भी उतनी जो है हिस्सेदारी जिम्मेदारी दी जाएगी। और आने वाला कल जो है वो बहुजन निकाय बहुजन सुखाय की नीति पे चलेगा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ये कहा करते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन। हमें ना दिखने वाला समाज को बनाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ना झुकने वाला और ना डरने वाला समाज भी देश में बनाना है, क्योंकि जब तक हमारे लोग सुरक्षा की भावना में जीते रहेंगे वो काम ही नहीं कर पाएंगे जिस ऊर्जा के साथ वो काम करना चाहते हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आपको जिंदा नजर आना पड़ेगा, वरना ये दुनिया आपको मरा हुआ मानकर मिट्टी में दफना देगी। ये बात याद रखिएगा। मैं अब मेरा वो सवाल है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, पूछू या ना पूछू मेरे बताओ, दोनों हाथ लगा के बताओ पीछे वाले, पूछू या ना पूछू। अरे नौजवान के नौजवान खड़े हैं, उनके सपने और ऐसे ही सपने थे मेरे कि पढ़े लिखे बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिए हैं, मैं कोई नौकरी करूंगा और उससे अपने परिवार की और समाज की सेवा करूंगा। लेकिन समय बदलता चला गया, जो मैंने सेंटेंस आपसे कहा कि स्वाभिमान से जीना और जो अत्याचार जून जाति मैंने देखी, चाहे वो हरियाणा में हुई हो या रमन आदमी की भाई की हत्या की गई हो या और तमाम मामले, चाहे पुलिस चाहे इस बात का दवा है इधर यहाँ भूड़ चौराहे के पास एक हमारी बहन को उसकी मौसी को जो है गाड़ी से कुचल दिया गया था, मैं यहाँ आ रहा था, आप लोगों को याद होगा, बुलंदशहर के लोगों के जहन में होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।